खबर बड़वानी से, कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने किया शहर भ्रमण। फुटपाथ पर सो रहे लोगों को रैन बसेरा भिजवाकर बांटे कंबल। महिला हॉस्पिटल सहित एनआरसी वार्ड का भी किया निरीक्षण। बड़वानी कलेक्टर शिवराज वर्मा ने आज गुड गवर्नेंस की मिसाल पेश करी कड़कड़ाती ठंड के बीच। आज कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा अचानक शहर में निकले, जहां फुटपाथ पर सो रहे लोगों को रैन बसेरा पहुंचाया, लोगों को कंबल का वितरण किया। इतना ही नहीं, कलेक्टर महिला अस्पताल और एनआरसी वार्ड पहुंचे और जहां व्यवस्थाओं का जायजा लिया और लोगों से उनके हालचाल जाने, लोगों से व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा करी। इस बीच कलेक्टर वार्ड में गए भर्ती मरीजों से मिले, इसी के साथ अस्पताल परिसर में खाना खा रहे और बैठे लोगों से बातचीत की, अस्पताल प्रबंधक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बीच कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा के साथ कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। कलेक्टर को अचानक सड़कों पर देख और अस्पताल परिसर में देख लोग बहुत चक्के रह गए। वहीं कलेक्टर द्वारा इस तरह फुटपाथ पर सो रहे लोगों की जिस तरह फिक्र की गई और रात में अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, वो दिखाता है कि बड़वानी कलेक्टर अपने काम और लोगों के प्रति कितने जिम्मेदार हैं। एक बच्चा और एक आदमी जो है ना बेचारा वैसे पड़ा था यहाँ पे, अभी उठा के हमने वहाँ भिजवाया हुआ है। उस पता कभी यहाँ पे इसमें भर्ती है आप लोग? कोई समस्या तो नहीं है? कब से भर्ती होने वाले हैं? तो कितना पैसा हो रहा है? इतना पहले का नहर लगा है। गरीब व्यक्ति को बहुत काका है वाला है कहीं बड़वा नहीं देने वाले हैं। कितना पैसा हो रहा है? सर रेन बसेरा गए थे अभी क्या, दो तीन दिन से सर्दी बढ़ रही है, तो सर्दी की वजह से शहर में ऐसे लोग तो नहीं है जो फुटपाथ पर पड़े हों, कपड़े की व्यवस्था नहीं हो, खाने की समस्या हो, इसलिए मैंने भ्रमण किया तो काफ़ी लोग ऐसे मिले जो बाहर सो रहे थे, फुटपाथ पर सो रहे थे। कुछ लोगों को हमने रेन बसेरा में शिफ्ट किया हुआ है, उनको हमने कम्बल भी बांटे, कुछ लोगों को खाने वाने की व्यवस्था भी किया हुआ, और मेरे साथ में हमारे अधिकारी भी हैं, ये डूडा अंशु जावला हैं, CMO हैं, इनको मैं साथ में इसलिए लाया हूँ कि कुछ समस्याएं पर होंगी तो लोगों को हम खाने की और रुकने की व्यवस्था को कर पाएँ। मैं इसके साथ में अस्पताल के भी मैंने भ्रमण किया हुआ है, अभी महिला वार्ड है, NRC केंद्र है, इनका देखा हुआ है कि रात में कोई समस्या किसी को तो नहीं है, तो अस्पताल में लगभग ठीक व्यवस्था है, कुछ कुछ कमियाँ हैं उनको हम लोग दुरुस्त कराएंगे। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।